गुड आफ्टरनून टेंथ क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, कल हमने जो वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। कल हमने कुछ उदाहरण देखे रासायनिक अभिक्रिया के और रासायनिक समीकरण के। रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखे जाते हैं, रासायनिक समीकरणों को लिखने का तरीका क्या है, इसके पद कल मैंने आपको बताए थे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए अभिकारक, तीर का निशान और उत्पाद होने चाहिए। सबसे पहले अभिकारक लिखते हैं, फिर तीर का निशान लगाते हैं, फिर उत्पाद लिखते हैं। ठीक है, अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक तो प्लस का यूज करते हैं, और यदि उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो उसमें भी प्लस का यूज किया जाता है। अभिकारक होते क्या है तो ये जान लीजिएगा कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो कल हमने रासायनिक समीकरण की बात की थी, आज मैं आपसे बात करूंगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है संतुलित रासायनिक। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए तो ये तीर का निशान है। इस तीर के निशान के LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं अभिकारक, और तीर के निशान के बाद लिखते हैं उत्पाद। तो अभिकारक और जो उत्पाद है, इनमें जो परमाणु उपस्थित है उन परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ यदि बराबर है तो वो समीकरण संतुलित होगा, और यदि बराबर नहीं है तो वो समीकरण असंतुलित होगा। तो सबसे पहले तो आप परिभाषा लिखेंगे, कैसे, कि वह रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि मैं कहूं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, क्लास 9th में द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़ा होगा, स्थिर अनुपात का नियम भी पढ़ा होगा, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, क्या कहता है यह नियम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का ना तो निर्माण होता है और ना ही उनका विनाश होता है, हमेशा परमाणुओं का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। कहने का मतलब,
अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु है उन परमाणुओं के द्रव्यमान में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, मतलब समान होता है। तो ऐसी कंडीशन हम ये कहेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण के अंदर अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान है, परमाणु द्रव्यमान समान है, तो वह समीकरण संतुलित होता है। जैसे मैं एक आपको बताता हूं कैसे संतुलित होगा। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं Zn SO4 प्लस एच टू, यहां पर Zn SO4 अभिकारक, एच टू अभिकारक, उत्पाद क्या बनेगा? ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, यहां पर H2SO4 और यहां ले लेता हूं जिंक, जब इनकी क्रिया कराई जाती है तो बनता है ZnSO4 प्लस H2। क्या ये समीकरण संतुलित है? इस समीकरण को जानने के लिए देखो मैं दोनों तरफ बताता हूं आपको। यहां पर लो, इधर परमाणु के अंदर हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और जिंक है। इधर देखिए, इधर आपका जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। परमाणु देखिए, ये तो अभिकारक है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक है उत्पाद। हाइड्रोजन कितना हो रहा है इधर देखो, दो, सल्फर हो रहा है एक, ऑक्सीजन हो गया चार, जिंक हो गया एक। इधर देखिए उत्पाद में जिंक एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार और एच टू दो। मिलान कीजिएगा दोनों तरफ, हाइड्रोजन दो है इधर, इधर भी दो बराबर, सल्फर वन, इधर भी वन बराबर, ऑक्सीजन फोर, इधर भी फोर बराबर, जिंक वन, इधर भी वन। तो हम कह सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो जो रासायनिक समीकरण दिया गया है ये संतुलित है। तो परिभाषा याद रखना कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाता है। ये संतुलित है। देखो आप एल एच एस आर एच एस कैसे हुआ, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु, देखो आप बराबर करके देख लो, इधर अभिकारक है इधर उत्पाद है, तो एल एच एस बराबर आर एच एस, तो समीकरण कैसा होगा? संतुलित। एक और दिखाता हूं आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। देखिए सी ए ओ प्लस सी ओ टू क्या बनेगा? सी ए सी ओ थ्री। क्या ये समीकरण संतुलित है? इसको जानने के लिए परमाणु द्रव्यमान का यूज करता हूं। ठीक है, हम जानते हैं, ये जानकारी आपको नाइन्थ से होनी चाहिए, हम जानते हैं कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अब देखो आप इनका निकाल के देखते हैं हम। अब ये तो अभिकारक है, ये उत्पाद है। ठीक है, अभिकारक, ये उत्पाद, क्या दोनों तरफ परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा? इसको जानने के लिए देखो, हम कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। तो एक कैल्शियम है 40, एक ऑक्सीजन है इसका 16, ये कार्बन है इसका 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 16 है, दो है, तो 16 गुणा दो कर लीजिए, तीर का निशान। ठीक है, अब देखो इधर कैल्शियम का कितना हुआ?
चालीस प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है, 16 ऑक्सीजन का होता है, तो हम कहेंगे 16 गुणा 3। देखिए आप यहां तक कैलकुलेशन करके देखो आप, तो 40 और 16 कितना होता है, 56, 56 और 12 कितना होता है, 68, 68 प्लस 16 दुनी 32, इधर कितना हुआ 40 और 12 कितना हुआ 52, प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 16 थी 48, इन दोनों को देखिए जोड़ के कितना आएगा 100, इन जोड़ के देखिए कितना आया 100, इसका मतलब LHS बराबर RHS। इस तरह हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण ये संतुलित है, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसका महत्व क्या है, तो सुनिएगा नंबर एक महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर वन, संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। या हम कह सकते हैं सबसे पहली बात कि रासायनिक समीकरण से जानकारी प्राप्त होती है कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान है। दूसरा, रासायनिक समीकरण से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या है। हमें एक जानकारी यह मिलती है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। रासायनिक समीकरण से हमें यह पता लगता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। तो ये रासायनिक समीकरण के महत्व है कि हमें अभिकारक और उत्पाद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है, रासायनिक समीकरण की लिमिटेशंस है, और लिमिटेशन ये होती है कि रासायनिक समीकरण से ये ज्ञात नहीं होता कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता कितनी है। अभिकारक उत्पाद के जो परमाणु हैं इनकी सांद्रता कितनी है इसकी जानकारी नहीं होती। दूसरा, अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी भी प्राप्त नहीं होती है, बाकी और सब जानकारी हमें समीकरण से मिल जाती है, ठीक है। तो यहां आपने एक समीकरण समझा जिंक, और जिंक की अभिक्रिया आपने सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई, और सल्फ्यूरिक अम्ल से जब जिंक की क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन लेता हूं, एफी प्लस एच टू ओ, यह अभिकारक है, उत्पाद एफी थ्री ओ फोर प्लस एच टू, ठीक है। तो दिया गया जो समीकरण है इसको संतुलित करना है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना है कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं। तो हम यह ऑब्जर्व करते हैं कि दिया गया समीकरण संतुलित है या असंतुलित। तो इसके लिए देखिए हम देखते हैं टेबल बनाकर, सबसे पहले इधर लिखेंगे तत्व, इधर लिखेंगे अभिकारक के तत्वों की
संख्या, इधर लिखेंगे उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, हमारे पास क्या है देखो अभी कारक में, इधर है एफ ही, एच और ओ, यानी हमारे पास आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अभी कारक और उत्पाद में देखो परमाणु की संख्या कितनी है, तो यहां से देखते हैं हम एफ ही कितना है अभिकारक के अंदर 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। उत्पाद पे आ जाइए, उत्पाद में देखिए एफ ही कितना है यहां पर 3, एच ये रहा एच कितना है 2, ऑक्सीजन है 4। ठीक है, एल एच एस आर नॉट इक्वल आर एच एस, हम कहेंगे एल एच एस इज नॉट इक्वल आर एच एस। हम कहेंगे दिया गया रासायनिक समीकरण असंतुलित है। कैसा है? असंतुलित। तो हम इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप नीचे इसके लाइन एक लिख देना कि दिया गया रासायनिक समीकरण असंतुलित है, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। प्रयास करने के लिए क्या करें देखिएगा, नंबर एक पॉइंट, आपके पास समीकरण अभी आपने मिला, वो समीकरण आपका है एफ ही प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहला काम यह है कि जो हमें अभिकारक उत्पाद में परमाणु दिए हैं इनको बॉक्स में बंद कर लें, सबसे पहला काम, ताकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़े। ठीक है, हल करना है। अब पहला पॉइंट ये कहता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय हमें सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करना है जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। तो अभी आपने जो टेबल बनाई उसमें देखो सबसे अधिक संख्या किसकी है? ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही संतुलित करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन तत्व लेना है आपको, अभी कारक में कितनी ऑक्सीजन है देख लीजिएगा, अभिकारक में ऑक्सीजन और उत्पाद में ऑक्सीजन, अभिकारक में कितनी है? और उत्पाद में कितनी है देख लीजिएगा, ऑक्सीजन कहां पर है? यहां पर H2O। तो पूरा आपको अणु लेकर चलना पड़ेगा। तो प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में जो प्रारंभ का समीकरण है उसमें H2O है। ठीक है, और उत्पाद में क्या है? इधर यदि मैं ऑक्सीजन के लिए कहूं तो इधर ऑक्सीजन किसमें है? H2O में है, और इधर किसमें ऑक्सीजन?
Fe3O4 में है। यहां ऑक्सीजन कितनी है ओनली 1, यहां ऑक्सीजन कितनी है 4, तो क्या करें? ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए अभिकारक के अंदर जहां ऑक्सीजन है उसको 4 से गुणा कर दें। क्या करें? उसको 4 से गुणा कर दें। तो देखो कैसे करेंगे, Fe प्लस ये जो H2O है इस H2O को 4 से गुणा कर दें, बाकी का हमें ऐसे कैसे ही लिख देना है Fe3O4 प्लस H2O। तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, 4 से गुणा है, 4 ऑक्सीजन हो गई, यहां 4 हो गया, ऑक्सीजन हो गया बराबर। दूसरी पॉइंट, अब किसको संतुलित करें हम, देखो ये संतुलित होने के बाद अब मैं लेता हूं कि हाइड्रोजन को संतुलित करें, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया 8, यहां कितना है 2। तो मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं हाइड्रोजन को संतुलित करना, ठीक है। अब इसमें देखें हम, ऑक्सीजन संतुलित हो चुका, हाइड्रोजन अभी असंतुलित है, इसको संतुलित करने के लिए फिर आपको वही टेबल बनानी होगी, हाइड्रोजन अभिकारक उत्पाद, ठीक है। हाइड्रोजन यहां पर कहां पर है, H2O के अंदर, प्रारंभ में देखो, प्रारंभ में अभिकारक के अंदर H2O है और उत्पाद के अंदर केवल हाइड्रोजन है। देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितनी है, अब अभिकारक में हाइड्रोजन हो गई, 4 से मल्टीप्लाई है यहां पर, यानी 4 H2O हो चुका है, अभिकारक में 4 H2O है, ठीक। तो यहां हाइड्रोजन हो गई 8, यहां हो गई 2, पहले से 2 है, बराबर करने के लिए इसको गुणा करेंगे 4 से। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए उत्पाद में जो हाइड्रोजन है, इस उत्पाद की हाइड्रोजन को 4 से गुणा करना पड़ेगा। जब उसको 4 से गुणा करेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, देखो Fe प्लस H2O, 4H2O है, Fe3O4 प्लस जो H2 है ये, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा देखें, नंबर 3, Fe मतलब आयरन लोहा को संतुलित करने के लिए, तो आप पहले इधर ले लें आयरन अभिकारक और उत्पाद, तत्व आपने लिया Fe प्रारंभ में, Fe कितना था समीकरण में आप देखेंगे तो Fe यहां पर 1 है और उत्पाद में 3 है, तो संतुलित करने के लिए क्या करें, संतुलित करने के लिए ये जो यहां पर है अभिकारक इसको 3 से गुणा कर दें, जब 3 से गुणा करेंगे तो लगभग लगभग बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास समीकरण था Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये हमारे पास समीकरण था, ठीक है। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया, वो ऑक्सीजन को, तो यहां ऑक्सीजन कितनी थी 4, यहां पर 1 है, इसको आपने 4 से गुणा किया था, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आपने हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इसको 4 से गुणा किया था,
और तीसरे पॉइंट में आपने आयरन को बराबर करने के लिए 3 से गुणा किया था। अब देखें क्या ये वास्तव में समीकरण संतुलित है, इसको जानने के लिए हम फिर एक और टेबल बनाते हैं। तो देखिए आप इसमें तत्व अभिकारक के परमाणु और इधर उत्पाद के परमाणु, ठीक है, एफ ही देखो आप और एच और ओ। एफ ही कितना है देखो आप अभिकारक में, यहां से यहां तक देखिए एफ ही कितने, यहां पर 3, इधर भी 3, एच कितना है देखो 4 × 8, इधर भी देखो 4 × 8, इधर देखो ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 4 से ये मल्टीप्लाई है, इधर भी ये 4 ऑक्सीजन है। अब यदि हम देखें RHS बराबर LHS, तो ये भी 3, ये भी 3, 8 8, 4 4, तो हम कहेंगे LHS आर इक्वल RHS, ठीक है। तो यहां पर अब जो ये समीकरण बना है, ये वाला ये समीकरण संतुलित है, कैसा है संतुलित। तो हम कहेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण में जब तीर के निशान के दोनों तरफ यानी अभिकारक उत्पाद के परमाणु की संख्या समान है तो वो समीकरण संतुलित होता है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है हिट एंड ट्रायल अभिक्रिया। हिट एंड ट्रायल अभिक्रिया या हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इस प्रकार रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब इस समीकरण को आप कई बार देखना, समझना, करने की कोशिश करना, इस तरह विभिन्न प्रकार के समीकरणों को आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो समीकरण आपसे नहीं हो आप मेरे को व्हाट्सएप कमेंट्स करना, मैं उसका आपको आंसर दूंगा, क्लियर करके समझाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।